नमस्कार, कविता इज हेयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप भी कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक बेहतर नागरिक, एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इजीली जस्ट 5 मिनट के प्रोसेस में जनरेट होकर आपको ईमेल पर रिसीव्ड हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ़ोन में या गूगल सर्च करेंगे या अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउजर में CVC टाइप करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसी वेबसाइट खुलकर आपके सामने आएगी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गवर्नमेंट एजेंसी। पूरी डिटेल है इसके बारे में कि क्या कभी ये फॉर्म्ड हुई, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और करंट एग्जीक्यूटिव, सारी डिटेल्स है। तो इसका फर्स्ट जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही फर्स्ट आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ईमानदारी एक जीवन शैली, इंटीग्रिटी ए वे ऑफ लाइफ, इंटीग्रेटिव फ्लैच, ओके, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा। यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, एज ए सिटीजन, एक नागरिक रूप में, और एक संगठन के रूप में, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट है आपके प्रतिज्ञा, 3 आसान चरणों में लीजिए, टैग फ्लैज इन 3 इजी स्टेप्स, जिसके अंतर्गत फर्स्ट वन है कि एंटर बेसिक डिटेल्स, बुनियादी विवरण दर्ज कीजिए। सेकंड स्टेप इज प्रतिज्ञा की भाषा चुनिए, सेलेक्ट फ्लैज लैंग्वेज। नेक्स्ट इज पढ़े और प्रतिज्ञा ले, रीड एंड टेक फ्लैज, ठीक है। तो ये सारी जो है इसमें फॉर्मेलिटी जो है फुलफिल करनी पड़ेगी, और यदि प्रतिज्ञा पहले ही ले ली है तो वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इफ़ ऑलरेडी टेकन फ्लैच, गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। प्रमाण पत्र जो है आपके ईमेल पर जनरेट हो जाएगा, आ जाएगा, और जहां पर आपको इस साइन पे क्लिक करके अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है। और बता रखा है यहाँ पे डेटा है कि कितने नागरिकों ने इसको डाउनलोड किया है और कितने संगठन द्वारा इसे अपडेट किया गया है। तो चलिए अब देरी न लगाते हुए हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रोसेस, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑब्वियस है कि हम इस पर एज ए सिटीजन ही क्लिक करेंगे। और जैसे ही मैंने एज ए सिटीजन क्लिक किया, इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे सामने आ जाएगा, दैट्स मीन बेसिक डिटेल्स। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आप अपना नेम सेलेक्ट कीजिए। एक्चुअली मैं इसको अपने हस्बैंड के नाम से जनरेट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे जनरेट कर चुकी हूँ और तभी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा, ओके। जेंडर मेल, पहचान प्रमाण पत्र, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट वन इज पैन कार्ड, सेकंड वन इज पासपोर्ट, थर्ड इज वोटर आईडी, नंबर 4th इज अदर्स। तो जो भी आपके पास है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। लाइक जैसे मैं पैन कार्ड की डिटेल यहाँ फिल करूँगी, उसका नंबर फिल करूँगी, तो मैंने पैन कार्ड पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट वन यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे राइट डाउन करना है। आप जो भी अपनी आईडी लगाएंगे उसका कार्ड नंबर यहाँ पे आपको प्रिंट करना होगा, यहाँ पे उसको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट वन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ करेंगे तो कुछ कोई ऐसे आपके सामने स्क्रीन आएगी, तो जो भी आपका पति, जैसे इसमें जुलाई 2020 आ रहा है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, डेट्स मंथ्स ईयर को आप अपना अप डाउन या रिवर्स फॉरवर्ड करके इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पिन कोड, यहाँ का पिन कोड क्या रहेगा, जहाँ पे आपका निवास है वहाँ का पिन कोड क्या है वो यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन स्टेट, विच स्टेट डू यू बिलोंग, सो सारे स्टेट्स के नेम्स हैं यहाँ पर, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके सामने क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो लाइक जैसे मेरा कानपुर डिस्ट्रिक्ट है तो मैं यहाँ पे कानपुर मेंशन
कर दूंगी। नेक्स्ट है इंटर योर ईमेल आईडी इफ एनी, तो जिस ईमेल पर आपको सर्टिफिकेट चाहिए वही ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन एंटर योर मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो भी पर्टिकुलर मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ओके, तो चलिए मैं सारी एंट्री यहाँ पे फुलफ़िल करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी एंट्रीज को फुलफ़िल कर लिया है। बिफोर प्रोसीडिंग एक चीज़ प्लीज़ नोट कीजिए कि लिखा हुआ है एक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाई सीबीसी विल बी सेंड टू ईमेल, प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। तो सारी एंट्रीज फुलफिल करने के बाद अब हम करेंगे प्रोसीड फॉर लैंग्वेज सेलेक्शन, भाषा के चयन के लिए आगे बढ़ें। ये हमने क्लिक कर लिया है, अब आ रहा है रीड प्लेज। इसके लिए हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लैंग्वेज में हमें ये जो है प्रतिज्ञा रीड करनी है। हम हिंदी करते हैं, प्रतिज्ञा इसमें आ चुकी है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रतिज्ञा पढ़िए एज लाइक बिफोर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और ये प्रतिज्ञा है। आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपके लिए कन्वीनियंट है उस लैंग्वेज में चूज़ कर सकते हैं। मैं इसे रीड करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और मैं ऑलरेडी इसको अपने लिए रीड कर चुकी हूँ। तो लास्ट हो गया, मैंने प्रतिज्ञा ली फ्लैच पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसी सूचना आएगी जिसमें पूछा जाएगा कि वेयर डिड यू नो अबाउट दिस इंटीग्रेटिव फ्लैच, कि इस फ्लैच के बारे में आपको कैसे पता चला। गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, फैमिली ऑब्लिक फ्रेंड्स, वर्ड ऑफ माउथ, SMS ऑब्लिक ईमेल। तो जिसके थ्रू, लाइक जैसे मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्लिक कर दिया। आप चाहें तो डिजिटल मीडिया भी क्लिक कर सकते हैं। देन आफ्टर आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे जो आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन किया था वो OTP पूछेगा, तो वो OTP आपके उस नंबर पर आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जो नंबर मैंने इसमें रजिस्टर्ड किया था उसी नंबर पे जो OTP आया मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया है। अब देन आफ्टर इसके बाद हम सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रमाण पत्र जो है मुझे रिसीव्ड हो चुका है श्री संजय कुमार झा के नाम से। ने ईमानदारी की प्रतिज्ञा ली है तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानक बनाए रखने का तथा ईमानदारी और कानून के नियमों का पालन करने का वचन दिया है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि सेंड सर्टिफिकेट टू योर मोबाइल, सेंड सर्टिफिकेट टू योर ईमेल, डाउनलोड सर्टिफिकेट और डाउनलोड फ्लैच। ओके, तो आप इसमें से चाहें तो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो इसका प्रिंट आउट भी लेके इसको फर्दर अपने यूज के लिए सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।